तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ अब्बा, ये कि किताब जो है ना वो बेहतर एक तो होती है कि अल्फाज खूबसूरत होते हैं, और दूसरी चीज़ कि कोई किताब जो है ना वो दिखने में भी अच्छी होती है। अब देखिए जैसे ये किताब है परवीन शाकिर की, तो कितने खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, और देखिए उनकी तस्वीर भी जो है आपने छापी है, और यहाँ भी उनकी तस्वीर है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं जो है ना एक तरीके का एक एस्थेटिक सेंस होता है, यानी खूबसूरती की पहचान होती है। हालांकि अंदर जो अल्फाज की खूबसूरती है वो हमें मालूम नहीं, वो अलग है, लेकिन जो कुतुब खाने को चलाते हैं कहीं ना कहीं जो बाहरी खूबसूरती होती है उससे तो वो वाकिफ होते ही हैं। और जैसे ये कलाम फैज़ है जो कि आपके कुतुब खाने से जो है वो शाया हुई है, देखिए कितनी कितनी खूबसूरत किताब है ये, है ना। मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, और साथ के साथ कवर भी जो है वो इतना खूबसूरत है, फैज़ साहब की जो है वो तस्वीर भी लगी है। तो अल्फाज की जो खूबसूरती है वो अलग बात है, लेकिन जो किताब की डिज़ाइनिंग की खूबसूरती है, उस पर तस्वीरों का छापना, फिर किस तरीके के पेज हैं, किस तरीके की छपाई है, ये भी एक अलग खूबसूरती की बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये सीखते सीखते आती है, या उसके लिए भी कोई मतलब तसव्वुर की ज़रूरत पड़ती है, ख्याल की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, ख्यालात की भी ज़रूरत पड़ती है और तजर्बे की बात होती है। हम ये चाहते हैं कि एक किताब इस तरह की हो कि ताकि देखने में खूबसूरत मालूम हो और कस्टमर जो है अट्रैक्ट करे। जब किताब अंदर अच्छी है और अट्रैक्शन भी होगा तो किताब ज़्यादा हमारी सेल होगी। और अगर ये कवर बहुत ख़राब सा हो, अगर 10 किताबें बिकती होंगी तो वो 5 किताबें बिकेंगी। यानी कि एक तो अल्फाज की खूबसूरती है और दूसरी है कि बाहरी अट्रैक्शन। आपने देखा आजकल तो इतना मामला बढ़ गया है कि ऊबर की खूबसूरती, पैकिंग बहुत अच्छी हो, ऊबर का कवर अच्छा हो, डस्ट कवर अच्छा हो, देखने में अच्छा मालूम हो, ताकि अट्रैक्ट करे वो किताब कि आदमी ख़रीद ले। अब देखिए ये है, और देखिए एक ये किताब है जो कि सर सैयद अहमद ख़ान और उनका अहद, इस पर छापी है आपने, और मेरा ख्याल है ये तस्वीर जो है वो विक्टोरिया गेट की है। जी, तो आप मजमून के हिसाब से जो है वो तस्वीर का भी चुनाव कर लेते हैं और उस हिसाब से उसे फ्रंट कवर पर और बैक कवर पर भी लगाते हैं। इसमें पीछे स्ट्रैची हॉल है और मेरा ख्याल है ये सर सैयद हाउस की तस्वीर है। तो ये भी देखिए किताब मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। बाकी ये देखिए, ये किताब है दीवान-ए-गालिब, तो इसमें आपने गालिब की तस्वीर जो है वो छाप रखी है।